हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको राजपूती कुर्ती और कांसली की कटिंग करके बताने वाली हूं। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए सबसे पहले हम कुर्ती और कांसली का नाप देख लेते हैं। कुर्ती की लंबाई यहाँ पर 28 इंच, सीना है 36 इंच और कमर है जो 36 इंच है। चलिए हम कांसली का नाप देख लेते हैं। कांसली की स्लीव्स की गोलाई है 16 इंच और कांसली की जो गोलाई है स्लीव्स की वो है 10 इंच। टुक्की और आड़ का नाप हमें किस तरीके से निकालना है वो मैं आपको कांसली की कटिंग करते वक्त बताऊंगी। चलिए सबसे पहले हम कुर्ती की निकाल लेते हैं। तो हमें कपड़े को अपनी तरफ कर लेना है, यानी कि जो कपड़े की किनारी है उसे अपनी तरफ कर लीजिए और 28.5 इंच पर निशान लगाइए। जितनी भी आपकी कुर्ती की लंबाई होती है उसमें हमें 0.5 इंच प्लस कर लेना है। ठीक है, अब हम 28.5 इंच पर निशान लगाएंगे और कपड़े को ऊपर की ओर फोल्ड कर देंगे। 2-3 जगह से नाप लीजिए कि कपड़ा बराबर है या नहीं। अब हमें कपड़े की विथ नापनी है कि इसमें जो चेस्ट का साइज है वो बराबर आएगा नहीं। यहाँ पर हमें देखिए लगभग कुर्ती की जो चौड़ाई वो 20 इंच लेनी है, तो कपड़े की जो विथ है वो 20 इंच नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे कुर्ती को डबल निकाल लेंगे, ऊपर से न कट करके नीचे से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब हमें कपड़े को वापस से सिंगल करना है। अब यहाँ से किनारे की तरफ से कपड़े को वापस लंबाई में डबल फोल्ड कर लीजिए। ये डबल फोल्ड हो गया है, अब हमें क्या करना है, ये बूटा बीच में रखना है और कुर्ती की जो चौड़ाई लेनी है वो लेनी है 20 इंच। तो ये बूटे से आप नाप लीजिए कि एक साइड में किनारी की तरफ 10 इंच होगा या नहीं। ये 10 इंच बराबर आ रहा है, अगर 10 इंच बराबर नहीं आ रहा होता है तो हमें क्या करना है, कुर्ती का आगे वाला और पीछे वाला पार्ट अलग अलग निकालना पड़ता है और कुर्ती के आगे वाले पार्ट में जॉइंट डालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हमें कोई जॉइंट डालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 20 इंच बराबर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, कपड़े को पहले बराबर डबल फोल्ड कर दीजिए, किनारे की तरफ से भी बराबर कर लीजिए, उसके बाद हम 20 इंच पर निशान लगा लेंगे कुर्ती की चौड़ाई के लिए। जितनी भी आपके चेस्ट का साइज हो उसमें 2 या 2.5 इंच हमें प्लस कर लेना है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर हमने 20 इंच पर निशान लगा लिया और एक सीधी लाइन बना ली है। अब यहाँ से हम कुर्ती को कट कर लेंगे, कुर्ती के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। अब जो साइड में से कपड़ा निकला है उसमें से हम मगजी बना लेंगे। चलिए सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं। तो कपड़े को वापस से सीधा कीजिए इस तरीके से और लंबाई में किनारी मिला दीजिए दोनों तरफ वाली। ये इस तरीके से डबल फोल्ड हो गया। अब इसके बाद हमें इसे एक बार और फोल्ड करना है इस तरीके से ऊपर की तरफ। इस तरीके से फोल्ड कीजिए कि जो वो बूटा वाला साइड है वो ऊपर की ओर आ जाइए इस तरीके से। अब चारों पल्लों को बराबर कर लीजिए, एक तरफ से कुर्ती जो बंद साइड रहेगी और एक तरफ से खुली साइड रहेगी। जो बंद साइड है वो हमें अपनी तरफ रखनी है, यहाँ पर हम कुर्ती के नेक की कटिंग करेंगे। तो गले की लंबाई यहाँ पर रखनी है हमें 10 इंच और चौड़ाई रखनी है 4 इंच। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन बना दीजिए। अब नीचे से ऊपर की ओर 3 इंच पर एक निशान लगाइए इस तरीके से। अब जितनी चौड़ाई हमने नीचे की तरफ रखी है उतनी ये जो 3 इंच पर हमने निशान लगाया है वहाँ पर भी चौड़ाई 4 इंच रख लीजिए। इस तरीके से एक बॉक्स बना लीजिए। अब ऊपर की तरफ से हमें गले की जो चौड़ाई लेनी है वो लेनी है 1.5 इंच। आप चाहो तो 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हो। अब ऊपर वाले निशान को बीच वाले निशान से एकदम सीधी लाइन बना के मिला दीजिए। ठीक है, अब बीच वाले निशान को नीचे वाले निशान से एकदम सीधी लाइन बना के मिला दीजिए। अब ऊपर वाली जो हमने लाइन बनाई है यहाँ पर हल्की सी आप गोलाई दे दीजिए, 0.5 इंच से भी कम। ठीक है, ये जो हमने कोना बना रखा है यहाँ पर, ये कोना नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर हमें गोलाई दे देनी है और नीचे की तरफ हमें 1 इंच पर गोलाई दे देनी है। देखिए इस तरीके से हमें गोलाई बना देनी है, कोना नहीं रहना चाहिए, गले में एक भी एकदम गले में एकदम बराबर गोले आनी चाहिए। ठीक है, अब हम जैसे मार्क कर रखा है वैसे हम कटिंग कर लेते हैं। कैंची को थोड़ा थोड़ा खोलिए और आराम से कटिंग कीजिए, एक भी कोना नहीं रहना चाहिए गले में। अगर आपकी लेंथ ज़्यादा नहीं है यानी कि कम ज़्यादा हो रही है तो आप गले को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग। अब हम शोल्डर्स की कटिंग कर लेते हैं। तो शोल्डर्स यहाँ पर रखेंगे हम 7 इंच के, ज़्यादा बड़े नहीं रखने हैं, 7 इंच तक काफ़ी है। और आमोल की लंबाई रखेंगे 7.5 इंच। अब ऊपर से जितनी हमने चौड़ाई रखी है शोल्डर्स की नीचे से भी इतनी रख लीजिए यानी कि 7 इंच। अब एक सीधी लाइन बना दीजिए और यहाँ पर एक आड़ी लाइन बना दीजिए। ठीक है, अब ये जो कोना है यहाँ पर हमें गोले दे देने लगभग 1.5 इंच पर आर्म होल के लिए। अब आर्म होल से नीचे की तरफ लगभग 10 या 10.5 इंच आप कुर्ती बंद रखिए और बाकी जो रहेगी वो कुर्ती की चाक बन जाएगी। अब ये जो हमने 10.5 इंच पर निशान लगाया है इससे एकदम नीचे की तरफ एकदम 0.5 इंच अंदर की तरफ करके एकदम स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। ठीक है, अब हम सबसे पहले आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं और यहाँ पर नीचे की तरफ 0.5 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगा दीजिए। पहले ऊपर से शोल्डर्स को अलग कर लीजिए
अब हम कुर्ती के आगे वाले आर्महोल की कट कर लेते हैं। तो शोल्डर से नीचे की तरफ 5 इंच पर एक निशान लगाएं और लगभग आधा या पौना 1 इंच पर अंदर की तरफ निशान लगाइए। अब जैसे हमने पहले आर्महोल बना रखा है वैसे ही हमें एक और आर्महोल बनाना है, थोड़ा अंदर की तरफ बनाना है। और ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से जो कपड़ा सिलाई में जाएगा वो हमें बिल्कुल भी नहीं काटना है, सिर्फ यहाँ से बीच में से हमें हल्की सी अंदर की तरफ कटिंग कर देनी है आर्महोल की। इससे कुर्ती की फिटिंग अच्छी रहती है, आर्महोल में कोई सलवटें नहीं आती है और कुर्ती यहाँ से आर्महोल की तरफ से खींची खींची भी नहीं रहती है। अब यहाँ आधा इंच अंदर की तरफ कट लगा के नीचे की तरफ एकदम स्ट्रेट कट कर दीजिए, ज़्यादा कट नहीं लगाना है, सिर्फ आधा इंच ही लगाना है। ठीक है, ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। चलिए अब हम कांसली की कटिंग कर लेते हैं। जो कुर्ती के ऊपर से जो कपड़ा निकला था उसमें से हम कांसली की स्लीव्स बनाएंगे, तो उसे किनारे की तरफ से इस तरीके से बराबर कर लीजिए और अब इसे यहाँ से फोल्ड कीजिए इस तरीके से। अब देखिए हमारे स्लीव्स की जो गोलाई है वो 10 इंच है, 10 इंच यानी कि 5 इंच से 10 इंच का आधा होता है, तो 5 इंच में हमें 2 या 2.25 इंच प्लस कर लेना है, 2 या 2.5 इंच कर सकते हैं आप। यहाँ पर हम लगभग 7.25 इंच चौड़ी स्लीव्स लेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे। अब जितनी स्लीव्स की लंबाई होती है यानी कि 16 इंच है, तो हम 16 इंच ही कटिंग करेंगे, लंबाई रखेंगे स्लीव्स की, कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमें सिलाई के लिए नहीं लेना है। अब हम खरा की कटिंग कर लेते हैं। जो किनारी वाली साइड है वहाँ पर हम खरा की कटिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले स्लीव्स में एक सेंटर बना दीजिए इस तरीके से। अब देखिए खराकी की चौड़ाई कितनी रखनी है, जितनी हमारी टुक्की बनी बनाई तैयार रहती है उतनी हमें खराकी की चौड़ाई रखनी है, यानी कि 4 इंच। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन बना दीजिए और यहाँ से एकदम स्ट्रेट कट कर दीजिए। खराकी की कटिंग हम सीधी करते हैं, लेकिन यहाँ से जहाँ पर खराकी कटिंग होती है वहाँ पर क्या है, कांचली का गला बनता है, तो यहाँ पर हमें हल्की सी गोलाई दे देनी है इस तरीके से, आधा इंच पर। ये खराकी और स्लीव्स की कटिंग हो गई है। खराकी छोटी नहीं काटनी चाहिए, जितनी टुकी की चौड़ाई होती है उतनी हमें स्लीव्स की सॉरी खराकी की चौड़ाई रखनी पड़ती है। अब जो हमारे पास मगजी वाला कपड़ा है उसमें से हम खरपे बना लेते हैं। तो यहाँ पर कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड कीजिए। अब देखिए हमें खरपों की चौड़ाई कितनी रखनी है, तो खरपों की चौड़ाई यहाँ पर रखेंगे हम लगभग 10 या 10.5 इंच, 10.5 इंच आप ले लीजिए। अब यहाँ से हम इन्हें कट कर देते हैं। अब देखिए हमें खरपों की लंबाई कितनी रखनी है, खरपों की लंबाई हम उतनी रखते हैं जितनी हम स्लीव्स की चौड़ाई लेते हैं, यानी कि लगभग यहाँ पर हम खरपों की लंबाई लेंगे 7.5 या 7.75 इंच। खरपों की लंबाई हमें कभी भी कम नहीं रखनी चाहिए, इससे भी कांचली ऊपर चढ़ती है। कांचली के ऊपर चढ़ने का सिर्फ एक कारण नहीं होता, कई कारण होता है, हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए अब हम गले की कटिंग, ऐसे जो कपड़ा निकला है उसमें से हम टुक्की बना लेते हैं। तो गले को ऊपर से और साइड में से काट के एकदम सीधा कर लीजिए। देखिए हमें टुक्की की चौड़ाई किस हिसाब से लेनी है, तो यहाँ पर हमें टुक्की की चौड़ाई 4 इंच रखनी है बनी बनाई, तो उसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे। जितना भी हमारे चेस्ट का साइज होता है उसे हमें 8 से डिवाइड कर लेना है, जो साइज आता है वो टुक्की के लिए सही होता है। हम 36 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंच आएगा और 1 इंच हम सिलाई के लिए प्लस कर लेंगे। बीच में से हमें टुक्की आधा इंच ज़्यादा लेनी है क्योंकि उसमें हम गोलाई देते हैं, तो साइड में हमने 5 इंच ली थी, तो बीच में से हम 5.5 इंच निशान लगाएंगे और हल्की सी गोलाई देते हुए टुक्की की कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा कोना आपको दिखे तो आप बाद में कट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम जो मगजी वाला कपड़ा है उसी में से हम आड़ की कटिंग करेंगे। तो जितनी टुक्की की गोलाई होती है उतनी हमें आड़ की लंबाई लेनी पड़ती है, सॉरी चौड़ाई लेनी पड़ती है। यहाँ पर हम बिना केवड़े वाली कांचली बना रहे हैं, तो कपड़े को आप ऊपर की ओर फोल्ड कीजिए और लगभग 4 इंच की हमें आड़ कटिंग करनी है, तो वो 3.5 इंच की बनी बनाई रहेगी। अब इसी कपड़े में से हम एक और टुक्की कटिंग कर लेते हैं, बराबर नाप की कट कर लीजिए। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम मगजी बना लेंगे। चलिए सबसे पहले हम कांसली के पास देख लेते हैं। ये देखिए आड़े, इसके ऊपर ये जो टुक्की की गोलाई है उसी हिसाब से ये इसके ऊपर जुड़ेगी, दोनों टुक्की के बीच 1 इंच जगह रहेगी। अगर आप कुर्ती और कांसली की सिलाई का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये साइड में इस तरीके से खरपे जुड़ेंगे, इनके ऊपर खराकी जुड़ेगी। खराकी की जो ज़्यादा चौड़ी साइड है वो खरपे के ऊपर जॉइंट होती है। और देखिए जो जहाँ से खरा की कटिंग होती है स्लीव्स में से वो कांसली का गला बनता है, तो ये इस तरीके से रहेगी। आधा तो गला बन जाएगा ये जो खरा की कटी है वो साइड से, और आधा पर टुक्की जुड़ जाएगी। चलिए सबसे पहले हम मगजी कटिंग कर लेते हैं। अब एक साइड में आप सिलाई लगा दीजिए कपड़े के और एक कट लगा दीजिए। अभी जो हमने सिलाई लगा रखी है कपड़े पर ये इस तरीके से बीच में आ जानी चाहिए, जो कट लगाया वो सिलाई से मिलना चाहिए। अब यहाँ से कट करके मगजी को उरेब कर लीजिए। मगजी को हमेशा उरेब ही बनाना है, और मगजी अगर सही से उरेब नहीं होगी तो उसमें सलवटें आएगी और बेलन पड़ेगी, इसलिए मगजी का अच्छे से उरेब होना भी ज़रूरी है।
इस कपड़े को ऊपर की ओर फोल्ड करके छोटा कर लीजिए ताकि मगजी कटिंग करने में आसानी हो। अब यहाँ पर हमें 2 इंच पर निशान लगाना है मगजी की चौड़ाई के लिए। अगर आप फोल्डिंग वाली मगजी बनाना चाहते हैं तो आप 2.5 इंच की कटिंग कीजिएगा। यहाँ पर हम बिना फोल्डिंग के बना रहे हैं इसलिए हमने 2 इंच कटिंग करा है। अब इसी नाप की और मगजी कटिंग कर लीजिए बाकी कपड़े के ऊपर रख के। इस तरीके से आप 3-4 पट्टियाँ कटिंग कर लीजिए और जो बाकी बचा कपड़ा होगा उसमें से हम बाद में मगजी कट कर लेंगे अगर कम पड़ेगी तो।